नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेजी पर हैं। इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से चंद्रशेखर आजाद और मायावती को लेकर जो तमाम अटकलें और उनके गठबंधन पर जो कयास लगाए जा रहे हैं, उनके बीच आपको बता दें कि मायावती ने वर्तमान में अपने नगीना से सांसद गिरीश जाटव को बुलंदशहर से टिकट दी है। यानी कि मायावती की तरफ से ये साफ संकेत दिए जा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती लोकप्रियता के कारण उन्हें साथ ले लिया जाए, जिससे कि बीएसपी के वोट बैंक में बिखराव ना हो। यानी कि साफ तौर पर मायावती चाहती है कि दलित वोट बैंक एकजुट होकर के और उनके यहां पर पक्ष में वोट करें। हालांकि अभी तक चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन को लेकर मायावती ने कोई बड़ा बयान नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि एक लड़का अच्छा प्रयास कर रहा है। इस बीच आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद लगातार दलित वोट बैंक की जो है बहुतायत होने के कारण वहां पर अपना आधार, अपनी पकड़ मजबूत बना रहे हैं। वो सिर्फ लोगों से जो तमाम बैठकें हो रही हैं, तमाम जो जनसभाएं हो रही हैं, उसमें कह रहे हैं कि आपको मुझे सिर्फ संवैधानिक ताकत देने की आवश्यकता है, यानी कि साफ तौर पर वोट की मांग करते नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि पिछले 50 सालों से आपको दबाया गया है, आपका शोषण किया गया है और मैं आपकी आवाज को भारत की संसद तक उठाऊंगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के यहाँ पर उत्तराधिकारी आकाश आनंद एक बड़ा बयान देते हैं। उन्होंने कहा है कि चंद्रशेखर रावण कौन है, मैं इसको जानता ही नहीं हूं, ना उनका कोई सियासी आधार है, और ऐसे में बीएसपी जैसी बड़ी नेशनल पार्टी कैसे उन्हें अपना समर्थन दे सकती है। लेकिन दर्शकों, जिस तरीके से मायावती की 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में किरकिरी हुई थी, उस आधार पर बड़ा वोट बैंक छिटक कर उनसे भाजपा की तरफ चला गया था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 20% के लगभग दलित वोट बैंक है और मुस्लिम वोट बैंक को मिला दिया जाए तो ये आंकड़ा 35% के पार चला जाता है। लेकिन यहां से चंद्रशेखर आजाद अकेले भी चुनाव लड़ने की हुंकार भरते नजर आ रही हैं। 17 आरक्षित सीटें हैं लोकसभा में उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में आरक्षित सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को उतार कर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद अपनी जो मौजूदगी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते हैं। उनकी तरफ से लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव एक बड़ा चुनाव है और ऐसे में यदि उत्तर प्रदेश में कोई कर्तव्य दिखा पाए, कोई कमाल दिखा पाए, कोई यहाँ पर बड़ा राजनीतिक उलटफेर कर पाए तो राजनीति में उनके लिए नया आयाम स्थापित हो सकता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से रामपुर में एक दलित छात्र की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद लगातार ये कोशिशें करते नजर आ रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि यदि यहाँ पर तमाम जो समीकरण जिस तरीके से जातीय समीकरण के आधार पर देखा जाए तो दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक की बहुतायत है और समर्थन मुझे मिलता है तो मैं आने वाले वक्त में यहाँ पर लोगों की आवाज उठाऊंगा। इसके साथ साथ चंद्रशेखर आजाद ये भी कहते नजर आते हैं कि मैं देश का एक इकलौता ऐसा नेता हूं जो ना ईडी सीबीआई से डरता है, ना मोदी सरकार से डरता है और ना ही जेल जाने से डरता है। यानी कि साफ तौर पर वे कहते नजर आ रहे हैं कि निडर होकर हम राजनीति करेंगे क्योंकि हमारे ऊपर कोई दाग नहीं है और 2024 का लोकसभा चुनाव मजबूती से जीतने का काम करेंगे। अब देखना ये होगा कि चंद्रशेखर आजाद कितना परचम अपना यहाँ पर लहरा पाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताएं। एसपीएन 9 न्यूज में तब तक आप